मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल में गुरुवार तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उत्तर बंगाल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। निम्न दबाव दक्षिण पूर्व झारखंड और उससे सटे गंगेय पश्चिम बंगाल पर स्थित है। अलीपुर मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण बंगाल के तटीय इलाकों और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल में गुरुवार तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उत्तर बंगाल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। निम्न दबाव दक्षिण पूर्व झारखंड और उससे सटे गंगेय पश्चिम बंगाल पर स्थित है। ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इस निम्न दबाव क्षेत्र से उत्तर प्रदेश तक एक अक्ष रेखा बनी है, जिसके चलते मानसून विदा लेते हुए भी दोबारा सक्रिय हो रहा है। अलीपुर मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण बंगाल के तटीय इलाकों और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की आशंका है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार तक छिटपुट भारी बारिश जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने दुर्गा पूजा की तैयारियों में खलल डाल दी है। दुर्गा पूजा में अब लगभग 2 सप्ताह का समय बचा है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां पूजा मंडपों का निर्माण कार्य बाधित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोग पूजा से जुड़ी खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पूजा आयोजकों के साथ व्यवसायी भी चिंतित हैं। पूजा से पहले राज्य में बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों की तरह मंगलवार को भी मौसम में बदलाव नहीं हुआ। कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। अलीपुर मौसम विभाग ने कहा, बंगाल की खाड़ी में केंद्रित निम्न दबाव अब झारखंड के ऊपर है। उनके प्रभाव से बंगाल में अभी कुछ दिनों तक तबाही मची रहेगी। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल में गुरुवार तक बारिश जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश संभव है। मंगलवार को दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर के एक या दो इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धवान में कुछ जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कोलकाता समेत अन्य जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को भी बारिश जारी रहेगी। दूसरी ओर आशंका है कि बारिश और जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के कम 7 जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्य सरकार ने पूर्व व पश्चिम बर्धवान, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली और हावड़ा के जिला प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर बंगाल में भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। उत्तर बंगाल में गुरुवार तक बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। नवजात शिशु के संपूर्ण पोषण, वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए रानीगंज शहर के रामबगान डॉक्टर्स कॉलोनी में खुल चुका है शिशु क्लिनिक। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए आपको मिलेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता अग्रवाल से आवश्यक सुझाव और बेहतर चिकित्सा। डॉक्टर श्वेता अग्रवाल की संपूर्ण देखरेख में बच्चों को मिलते हैं नियमित टीके, साथ ही माँ व शिशु के बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी सटीक जानकारी और चिकित्सा। तो चिंता छोड़ें और शिशु क्लिनिक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता अग्रवाल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 7384431222।